बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीने ग्रामी, दिन ब दिन अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या अमरीका ईरान से जंग करेगा और क्या अमरीका इस जंग में कामयाब भी होगा या नहीं? ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से अमरीका ईरान के साथ जंग करने से कतराता है, और अमरीका की इंटेलिजेंस क्या मशवरा देती है? आज की इस वीडियो में हम ईरान के बारे में आपको बताएंगे कि ईरान कितना ताकतवर है और ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक मिलिट्री हथियार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा वीडियो का आगाज करें, मेरी आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक देखा और सुना करें, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, अगर ईरान की फौज का मुवाजना किया जाए तो ईरान की फौज दुनिया के 14वें नंबर पर आती है। ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ 10 लाख के लगभग है, जबकि इसका रकबा 1.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान की औसत उम्र 30 साल से कम है, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि इस मुल्क में नौजवानों की आबादी ज्यादा है और बड़ी उम्र के अफराद कम पाए जाते हैं। अब अगर ईरान किसी मुल्क के साथ जंग करता है तो इसके पास नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 5 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है, जो सब के सब फौज में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक शिया मुल्क है और इसने चंद ही साल में साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस पर पाबंदियां भी लगा रखी हैं। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क है जिसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान का शुमार उन मुल्कों में भी होता है जिन्होंने अपने सैटेलाइट खुद खला में भेजे हुए हैं और इनको तैयार भी खुद ही किया है। ईरान उन 6 ममालिक में भी शामिल है जिन्होंने खला में जानवर भी भेजे थे। ईरान की फौज इस वक्त 8,73,000 फौजियों पर मुश्तमिल है। ईरान की फिजाइया भी दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाइया में शुमार की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको चंद ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो कि ईरान के पास मौजूद हैं। नंबर 1, टॉम 40 एयरक्राफ्ट। ईरान ने अमेरिका से ही इस तरह के 44 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। ये डबल सीटेड एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे के जरिए 3,000 किलोग्राम का वजन भिजवाया जा सकता है। इसकी स्पीड 2,400 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। इसके अंदर 4 तरह के बम भी नस्ब होते हैं जो दुश्मन की तंसीबात को तबाह करने के लिए काफी हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4 मिसाइल भी लगाए गए हैं जो हवा से हवा में अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं, और इसके अंदर 2 मशीन गन भी लगाई गई हैं जो कि 20 mm की बैरल पर मुश्तमिल हैं और इनसे बेशुमार राउंड फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ईरान के पास जो त्यारा है सखोई 22। ये त्यारे ईरान ने इराक से 40 की तादाद में खरीदे थे, लेकिन इनको कई साल तक उड़ाया नहीं गया था। लेकिन कुछ अरसा कबल इनमें से 10 त्यारों को शाम के साथ जंग में इस्तेमाल किया गया था। जुलाई 2018 में ईरान के इंजीनियर्स ने इस त्यारे को अपग्रेड किया और इसको इस काबिल बना दिया कि इसके जरिए बमबारी भी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें क्रूज मिजाइल लॉन्च करने की भी सलाहियत पैदा कर दी गई। ईरान ने खुद ही इस तरह के 20 त्यारों को अपग्रेड करके अपने जेरे इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा ईरान के पास मिकुयान MiG-20 15 की तादाद में मौजूद हैं, 9 फिलक्रम त्यारे और 64 F-4 Phantom 2 त्यारे मौजूद हैं, 60 F-5 त्यारे, 23 Mirage-1 त्यारे, 24 Chengdu और 10 Sukhoi-20 त्यारे मौजूद हैं। इस वक्त ईरान की फिजाइया में 900 के करीब त्यारे मौजूद हैं, जिनमें 142 जंगी त्यारे और 165 अटैकर त्यारे मौजूद हैं। इसके साथ फौजी साजो सामान और फौज को ले जाने के लिए 90 ट्रांसपोर्टर त्यारे भी ईरान की फौज में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पायलट को भी तरबियत देने के लिए त्यारों की जरूरत होती है, जिनके जरिए हवाबाजी का फन सीखा जाता है और हवाबाज त्यार किए जाते हैं। इस मकसद के लिए भी ईरान के पास 104 छोटे त्यारे मौजूद हैं, जिन्हें ट्रेनर त्यारे भी कहते हैं। इसके अलावा ईरान के पास इस वक्त 126 हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें से 12 अटैकर हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, ईरान के पास जो ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर्स हैं उन चंद के बारे में आपको मालूमात देते हैं, जिनमें बोइंग 47 हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर अमरीका का तैयार करता है और ईरान ने अमरीका से ही खरीदा है। ये 40 की तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। इस हेलीकॉप्टर में 3 मशीन गन्ने लगाई गई हैं जो कि 800 राउंड फायर कर सकती हैं।
इसमें 55 फौजियों के बैठने की गुंजाइश होती है, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा होता है। और ये हेलीकॉप्टर 10,000 से ज्यादा का वजन उठाकर उड़ सकता है। इसके अलावा इसमें ये खूबी भी है कि ये 22,000 किलोग्राम का बोझ उठाकर 22,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 315 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगस्टा 23 हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर इटली से खरीदे गए और 50 की तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। अगरचे ये हेलीकॉप्टर कनाडा और अमेरिका ने तैयार किए थे, लेकिन इटली ने इन मुमालिक से लाइसेंस लेकर इन्हें तैयार किया है और ईरान के हाथ फरोख्त किया है। ये हेलीकॉप्टर इस वक्त 26 मुमालिक के जेरे इस्तेमाल है। इसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में कुछ मालूमात आपको देते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी मुल्क की हिफाजत और इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों पर कड़ी नजर रखने के फराइज़ सर अंजाम देती है। जिस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी मजबूत होगी, उतना ही वो मुल्क महफूज होगा। तो ईरान के पास जो इंटेलिजेंस है, उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इस एजेंसी के पास 3,000 एजेंट है और इसकी बुनियाद 1984 में रखी गई। इस इंटेलिजेंस के बहुत से कारनामे सामने आ चुके हैं। इस एजेंसी ने बहुत से बेगुना अफराद को भी तख्ते मश्क बनाया है। इस एजेंसी के 12 एजेंटों को फांसी भी दी गई थी। इस वक्त ये एजेंसी अपने मुल्क के हालात को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, इसके बाद ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यूं तो ईरान के पास मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन है, लेकिन सबसे आम ड्रोन ईरान के पास सैगा ड्रोन है। ये एक मल्टीपर्पज मल्टी पिस्टन ड्रोन है। ये ड्रोन भी ईरान की एक कंपनी ने खुद ही तैयार किया था। इसका पहला तजुर्बा 2010 में किया गया था। ईरान के पास इस तरह के 50 ड्रोन मौजूद हैं। इस ड्रोन के अंदर त्यारा शिकन गाइडेड मिसाइल भी नस्ब होते हैं। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये ड्रोन 50 किलोग्राम का बोझ उठाकर 25,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। इसके उड़ने का वक्त 4 से 5 घंटे है। दोस्तों, अब अगर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए, तो ईरान के पास 16 मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल मौजूद हैं। ईरान का मशहूर मिसाइल इमाद है, जो एक ब्लास्टिक मिसाइल है। दूसरे नंबर पर कोरम सहर मिसाइल है, यह भी एक मल्टी रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। तीसरे नंबर पर गैजेट 1 मिसाइल है और चौथे नंबर पर सोमार मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3,000 किलोमीटर तक है, इसलिए अमरीका को इस मिसाइल से बहुत खतरा महसूस होता है, क्योंकि ये कुछ ही देर में अमेरिका को तबाह कर सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।